चोर है, मोदी कहता कुछ है करता कुछ है, चोर है और क्या कहेगा, कोई कुछ कहेगा कुछ, वो कहेगा बेटियों को बचाओ तो बेटियों को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। अरे बेटी है मेरी फोटो नहीं खींच थी तो उनका पैर बिल्कुल खींच कर उनके कंधे तक पहुंचा दिया गया। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो हम जुड़ गए हैं भाई जंतर मंतर से लाइव, जो की धरना प्रदर्शन भाई जो चल रहा है पहलवानों का भाई, मांग लेकर जो उनकी मांगे हैं भाई, जो ब्रजभूषण को अगर भाई सजा दे सरकार, और भाई जो उनके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। जो कल की भाई लाइव जो कि बजरंग पुनिया भी साक्षी मिले कि भाई अन्य जो पहलवान है जो लाइव आए थे कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ है, छेड़खानी भी हुई है, कुछ पुलिस वाले थे जो कि ड्रिंक भी करके आए थे यहाँ पे, उनके साथ जो भी छेड़खानी हुई उसको लेकर कुछ बात करेंगे। कुछ महिला हमारे साथ में जुड़ी है, तो नमस्कार जी, तो क्या कहना चाहोगे एक बार परिचय दे। मेरा नाम माधुरी है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और हम लोग यहाँ पे रेसलर्स के समर्थन में प्रोटेस्ट में आए हैं। हम लोगों ने कल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पे एक रेसलर्स के समर्थन में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पुलिस ने बहुत ही बर्बरतापूर्वक हमें उठाकर डिटेन कर लिया था, जिसमें हमारी एक साथी की टांग भी टूट गई है। और हम जब यहाँ आए हैं तो हमारी सीधी साफ डिमांड है जो भी यहाँ पे प्रदर्शन में आ रहा है कि ब्रजभूषण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो कल की आपने जो लाइव वीडियो दिया अगर देखी हो तो बजरंग पुनिया की या साक्षी मलिक की, तो आपको लग रहा है कि भाई लड़कियाँ सेफ हैं आज के टाइम पे? देखिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है इनका। उसके बावजूद जब इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम जो आम औरतें हैं, जो किसी गली कस्बे मोहल्ले की औरत है, जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है, किसी फैक्ट्री में किसी मालिक के यहाँ काम करने को मजबूर है, किसी के घर में काम करने को मजबूर है, उसके साथ जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कितना वो खुल के बाहर आ पाएगी? और जब वो ये सब देखेगी कि इतनी बड़ी बड़ी औरतों को भी न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको क्या खाक मिलेगा? और दूसरी एक बात कि ब्रजभूषण ने तो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस और हमारी सरकार मेंटल हैरेसमेंट कर रही है लगातार लड़कियों का। बार 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 लड़कियों को ये याद दिलाया जा रहा है कि देखो तुम ही गलत हो। मोदी जी तो मोदी जी ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाई बेटियों को खिलाओ ऐसे करो, मतलब इतना मतलब कि सपोर्ट करती है, क्या लगता है फिर ये नारा झूठा या सच्चा है? देखिए मेरी ना मीडिया के माध्यम से पुरजोर मांग है कि एक बार प्रधानमंत्री आए देखें, कम से कम बोलें तो सही, तो चुप्पी साध के बैठ गए हैं रेसलर्स के इस प्रोटेस्ट पे। जब रेसलर्स जीत कर आते हैं तो कहते हैं ये हमारी बेटी हैं, हमारे साथ बैठेंगी खाएंगी पिएंगी, और जब उनका काम निकल गया रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ही सांसद के खिलाफ, तो उन्होंने एकदम चुप्पी साधी हुई है। बजरंग बली के भक्त बन के कर्नाटक में जा रहे हैं, जाइए अच्छी बात है, लेकिन पहले यहाँ भी आइए, देश की बेटियाँ बैठी हैं, दुर्गा माता की बेटियाँ बैठी हैं। ब्रजभूषण ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को साबित करो, और वे लड़के क्यों नहीं है सामने आ रही जिनके साथ में गलत किया मैंने? वो सामने ही है तभी तो प्रोटेस्ट कर रही है ना, पुलिस सरकार उसको गिरफ्तार करने से डर रही है ब्रजभूषण को। क्यों डर रही है फिर भी कि इतने मतलब जो पूरा देश पहलवानों के साथ में खड़ा समर्थन में खड़ा है फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कहाँ पे या कमी रही? देखिए सीधी सी बात है कि वो कि ब्रजभूषण एक दबंग नेता है, पिछले छः बार से लगातार चुनाव जीत रहा है। इसके अलावा उनके अलग अलग वीडियो आए हुए हैं कि SP के ऑफिस में घुस के बंदूक तान दी है, या रेसलर एक मेल रेसलर है अंडर 15 के चैंपियनशिप में उसको थप्पड़ मार दिया है सरेआम स्टेज पे, तो ये सब क्या दिखा रहा है कि दबंग नेता है? ब्रजभूषण जी ये बोल रहे कुछ साल है इनकी जो भी सरकारी जो इनका भाई जो अदर जो सरकारें हैं भाई कमेटियाँ हैं वो पहलवानों को मतलब दाब देकर ये कैसे काम करवाने लग रही है? देखिए इस देश में या किसी भी समाज में सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई लड़की हिम्मत करके आगे आके अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कह रही है तो आप उसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कह दें, या आप ये कह दें कि नहीं इनका तो कोई पॉलिटिकल मतलब है। क्या मतलब है? लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो हुआ है, उसको कंसिडर कीजिए। फिर सरकार क्यों नहीं सुनाई कर रही भाई? ब्रजभूषण खुद भी ये बोला कि भाई अगर मैं गलत था तो इतने दिन हो गए तो भाई कोई भी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई, अब जाकर ही न करवाइए भाई। तो मैं देखिए इसको ऐसे समझिए कि 3 महीने से लगातार लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं उसके बावजूद अभी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कोई सिंगल पर्सन लड़की आके अपनी शिकायत करती और
क्या गारंटी है कि उसकी सुन ली जाती है, उसको कंसिडर कर लिया जाता? जब इतने हंगामे के बाद नहीं हो रहा है कुछ तो तब क्या हो जाता? लड़कियों ने इतनी हिम्मत करके आगे आके अपनी बात रखी है, ये जानते हुए भी कि उनका करियर दांव पर है। दिव्या काकरण का भी बयान आया, दिव्या काकरण खुद ये बोल रही है ऐसी तो ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई भाई, जो हरियाणा वाले हैं उनको ज़्यादा मतलब ब्रजभूषण सपोर्ट करते हैं, जो हम हैं हमारे साथ में आज तक गलत नहीं हुआ या ना कोई भी ऐसी बल सूखी कोई भी। देखिए खुद दिव्या काकरण एक मतलब बड़े लेवल की पहलवान है। देखिए मैं मान रही हूँ वो बड़े लेवल की लड़की है, ठीक है, वो भी लड़की हैं, लेकिन किसी के साथ क्या अक्यूज्ड ये सेक्सुअल हैरेसमेंट करने से पहले ये देखता है कि वो किस स्टेट से है, किस जात से है, किस धर्म से है? तो जब पीड़िता आगे आती है तो उसे क्यों कहा जाता है कि तुम किस धर्म से हो, किस जात से हो, कौन से जिले से हो, ये तो इसी जिले से हैं तो इसलिए ऐसे हो रहा है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। एक लड़की है जो वहाँ पे बैठी है भाई, उसके पैरों में मतलब कि आपके साथ में तो कैसे क्या घटना घटी? उनके साथ कल वो डिटेक्ट हुए थे और उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती किया गया था और उनके ऊपर वो बोल रही थी, अपना दर्द बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि वो जब बैठी थी तो उनका पैर बिल्कुल खींच कर उनके कंधे तक पहुंचा दिया गया। अच्छा। तो इस वजह से जेंट्स पुलिस वाले थे या लेडीज थी? लेडीज ही थी। हाँ, उसके बाद भी वो बोल रही थी उनके कपड़ों को ऐसे खींचा जा रहा था, बिल्कुल बालों को खींचा जा रहा था, उसके बावजूद भी वो बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी वो मतलब फिर भी खींच कर बस में डाले जा रहे थे। अच्छा, आप साथ में थे उसी? नहीं, वो खुद अपना दुख बता रही थी मुझे, वो उन्होंने मुझे उनके साथ जैसा हुआ वैसा मेरे साथ ना, इसलिए उन्होंने मुझे पहले बोला तुम निशु मतलब चली जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और पहली बार मतलब आई, इसलिए मुझे बोला कि चले जाओ। जो मोदी जी इतना बड़ा नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपको लगता है ऐसे बेटी सेफ है? सेफ तो यहीं देखा जा रहा है ना, और दिल्ली पुलिस हमारी पुलिस का मतलब ही होता है सेफ, और वही अनसेफ करे तो फिर क्या ही ये प्रूव होगी कि बेटी सेफ है? चोर है, मोदी कहता कुछ करता कुछ है, चोर है और क्या कहेगा, कोई कुछ करेगा कुछ, वो कहेगा बेटियों को बचाओ तो बेटियों को सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। अरे बेटी है, फोटो उनके पास ना बेटी है ना खेती है, दोनों बचानी हमें, बेटी पर खेती भी तो उनके पास है कुछ। तो कल उस भाण के जो पैर में चोट लगी है तो उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज या कुछ? आज उन्होंने कहा, मेरे सीनियर लोग ने कहा है कि आज FIR दर्ज करवाएंगे। अच्छा। यस। तो क्या चाहते हो आगे, मतलब जो लड़कियां हैं उनके सपोर्ट में क्या होना चाहिए आगे, जो अगर देश सुन रहा है, अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो क्या करना चाहोगे? देश की महिलाओं को, माताओं को धरने पर आना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, सभी महिलाओं को इस धरने में आना चाहिए, और ना सिर्फ इस धरने में, जहाँ जहाँ औरतें अपने लिए लड़ रही हैं, न्याय के लिए खड़ी हो रही हैं, वहाँ हम सभी औरतों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। पॉजिटिव है। अगर ब्रजभूषण इस वीडियो को देख रहा है तो क्या करना चाहोगे ब्रजभूषण जी को? आपने गलत किया है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने गलत किया है, और उसके बाद फिर जो इनकी मांग है उनको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये पूरी कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप एक इंसान है, आपके अंदर इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस इंसानियत होनी चाहिए और नथिंग। तो भाई ऐसे ही जुड़े रहो हमारे चैनल से, जो कि हरियाणा का शेयर मीडिया जो चैनल है वो आपको ऐसे ही सच्चाई दिखाता रहेगा तंत्र मंत्र से, और जंतर मंत्र की जो भी अन्य घटनाएं हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, कौन क्या बोल रहा है भाई, हमारे चैनल द्वारा ही आप ये देख सकते हो। तो भाई हमारा जो बड़ा चैनल है हरियाणा के शेयर मीडिया, उसको सपोर्ट करो ताकि आपको और भाई देश जागरूक हो। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वालों को प्रीतम नागर की राम।